नानी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको बुलाया है। अनन्या दी और रणवीर जीजू भी आए हैं। मैंने बोली अरे वाह अनन्या दी, कितने टाइम बाद मिलेंगे मैं उनसे। नहीं नायर, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। नक्श ये साइलेंस रहोगे क्या? चलो साइलेंस साइलेंस मत लाओ भाई, साइलेंस बोलिए, एक्शन। नायरा हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। नक्श नानी से कह दो हम नहीं आ पाए। पर मैं ठीक हूँ पापा। नक्श बोला हाँ पापा, अभी उठ के इधर उधर घूम रही थी है। और वैसे भी देखो देखा जाए तो सुबह से एक बार भी बुखार नहीं आया इसको। गायू बोली वैसे भी, गायू की तरह सर गायू बोली वैसे भी वहाँ जाकर नायरा की इतनी सेवा होगी कि सारी बीमारी भूल जाएगी। देवेंद्र बोली नहीं थी, तुम बच्चों को लेके चले। नायरा बोली नहीं दादी, सब लोग चलते हैं ना, दादू चाचू चाची नानू नानी खुश हो जाएंगे। नहीं नायरा, जमन और करिश्मा किसी काम की वजह से बिजी है, और छोटी माँ और बाबूजी को तो किसी पूजा पे जाना है। तो फिर तुम मैं कायू नक्श और मिष्टी चलते हैं। गाड़ी थोड़ा ले ओके ओके सर। अरे क्यों लेना पड़ेगा? अरे मैंने स्पेशल अतिरिक्त वाली बना के तेरे लिए। मेरा मन नहीं है, वाटर कुछ नहीं होता, तनका होता। पहले बस चाय पियो, बिस्किट खाओ, फिर दवाई खाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ लास्ट में उसके बाद दवाई, ताकि उनका क्यों है नैतिक का। मन का कुछ नहीं होता, तन के लिए जरूरी है। चाय पियो, बिस्किट खाओ और फिर दवाई खाओ। आइए सर। कब बोल रहा हूँ ना तुम लोगों को, दवाई खाओ। जो छोटी दवाई तुम्हारे लिए बना के जो दवा छोटी माँ तुम्हारे बनाने लेकर आए, क्या वो क्या सोच रही है? कुछ नहीं नक्शा, नानी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको बुलाया है घर पे। रणवीर जीजू और अनन्या दीदी आई है। नानी का फोन आया था, उनके घर बुलाया है सबको। अनन्या दीदी और रणवीर जीजू आए हैं वहाँ पे। अरे वाह अनन्या दी, कितने टाइम बाद मिलेंगे उनसे। नैतिक तुम बच्चों को लेके चले जाओ। और आप दादी चाचू चाची आप सब भी चलिए। नाना नानी खुश हो जाएगी। नाना नानी खुश हो जाएगी। नहीं नायरा, नमन और करिश्मा तो किसी काम में बिजी है, और छोटी माँ और बाबूजी को किसी पूजा में जाना। तो फिर तुम मैं नक्श कायू और मिष्टी जाओ। नोट करो नायरा, देखो इधर उधर। ओके सर। ओके।
भले देवा क्यों नहीं चाहिए, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अदरक वाली बनाई, चलो पियो। मन का कुछ नहीं होता, तन का जरूरी होता है, तुम ये पियो। मन का कुछ नहीं होता, तन का जरूरी होता है। तन का जरूरी नहीं है, तन के लिए जरूरी। ये मन के लिए नहीं, तन के लिए जरूरी है। चाय पियो, बिस्किट खाओ और फिर ये मन के लिए नहीं, तन के लिए जरूरी। चाय पियो, बिस्किट खाओ और फिर तब। जो आपकी छोटी बड़ी दादी ने बनाई है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रही हूँ? नक्श भी आया इधर, नानी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको बुलाया घर पे, अनन्या दी और रणवीर जीजू भी आए हैं। नानी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको घर पे बुलाया, अनन्या दी और रणवीर जीजू भी आए हैं। नायरा बोले, अरे वाह अनन्या दी, कितने टाइम बाद नैति बोला, पर हम नहीं जा पाएंगे नायरा, आपकी तबीयत खराब है, नक्श प्लीज मना कर दो नानी को। नायरा बोले, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। नक्श बोला, हाँ पापा अभी तो वो घूम रही थी बाहर, वैसे भी देखो ना सुबह से भूखा नहीं आया उसको, और वैसे भी मौसम उसका इतना ख्याल रखेगी कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी। बच्चों को लेके चले गए। नायरा बोली, नहीं दादी सब लोग चलते हैं ना, आप दादाजी चाचू चाची सब नाना नानी खुश हो जाएंगे। नैति बोला, नहीं बेटा नमन और कृष्णा किसी कहाँ पे बिजी है, बहन और बाबूजी को कुछ पूजा करनी है, तो मैं मिस्टी गायो और नक्श हम चलते हैं। ओके ओके अभी मन नहीं है, मन का कुछ नहीं होता, तन का जरूरी होता। तुम चाय पियो, बिस्किट खाओ और फिर दवाई खाओ। नहीं तो क्या होता है, जो आपकी छोटी दादी लाई है, देखा आए वो चल के यहाँ पे आए, तुम देखो अक्षरा को इधर उधर, थोड़ा सोच में जाओ। क्या हुआ? सॉरी, अक्षरा के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके पहले क्या हुआ कि अक्षरा नहीं दिख रही है किधर भी। ऑर्डर सर, रोल नैतिक क्या रोलिंग शॉट रोलिंग है एक्शन और जो दवाई आपकी छोटी माँ लाई है ले आया, चलते इधर पूछो तो अक्षर के बारे में, छोटी माँ से पूछो क्या हुआ नायरा, क्या सोच रही? नक्श आया उधर से, अरे नानी का फोन आया था, उन्होंने हम सबको घर पे बुलाया, अनन्या दीदी और रणवीर जीजू आए हैं। अनन्या दी कितने टाइम अनन्या दी और रणवीर जीजू आए हैं। अनन्या दी कितने टाइम बाद मिलेंगे हम लोग उनसे? मैं तो बोला, हाँ नायरा लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। नक्श मना कर दो नानी। नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नक्श बोला, हाँ पापा अभी उठ के इधर उधर घूम रही थी, और वैसे भी देखो ना सुबह से एक बार भी बुखार नहीं आया इसको। गाय बोली, वैसे भी वहाँ जाकर नायरा की इतनी सेवा होगी कि बीमारी भूल जाएगी वो। देवेन बोली, नहीं ठीक तुम बच्चों को लेके चले जाओ। नहीं दादी, आप दादू चाचा चाची आप सब भी तो चलिए ना, नाना नानी को अच्छा लगेगा। नहीं बेटा नमन और करिश्मा तो बिजी है, और छोटी माँ और बाबूजी को भी किसी पूजा में जाना है, तो मैं मिष्टी गायो और नक्श हम चलते हैं ना, बस। ओके बोला, लेकिन कैसे बोलूँ? अच्छा, लेकिन मेरे फोन में क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी तो मुझे बर्थडे में फोन ले रहे हैं। पर मामी जी तुम्हें दिलाएंगी? तो मैं अपनी बीएफ से ले लूंगी। क्या बात है, इतनी जल्दी इतनी डिमांड? यस बोलते हैं मुझे नाम। यस फोन दे, यस बोलना पीछे फास्ट। जी जी हां, मैं कर दूंगी वो वाली। ओके एक मिनट।
ये क्या कर रही हो? उसका नंबर सेव कर, अभी कभी बात करनी हो तो कर सकते हैं ना। अच्छा पर मेरे फोन में क्यों? क्योंकि मेरे पास आपका मोबाइल। झुकना मत रही यहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई फोन है ही नहीं। रोल नहीं जो बैंड हो सकते हो जाओ जो नेचुरल है वो करो। रोल रोलिंग रोलिंग साले सोए रोलिंग एक बार दे दो दूसरे कैमरा दे दो एक्शन सीन में तो ये हुआ कि नायरा दीदी बीमार हो गई हैं, लाइक वो बारिश से भीग गई थी। तो हमें कॉल आता है कि नानी के घर में जाना है, तो वो कहती हैं नहीं नहीं मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। तो फिर वो सब उनको लाइक मना के कह देते हैं नैतिक भैया को कि चलो हम नानी के घर चलते हैं। और फिर चलने के बाद मैं नैतिक भैया नायरा दीदी और नैतिक भैया जा रहे हैं। अच्छा तो आपको कितना मज़ा आता है एक्टिंग करके? बहुत, पढ़ाई में बहुत बोरिंग। पढ़ाई में बहुत बोरिंग। सेट में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है आपको, जिसके साथ काम करते हैं? अक्षरा दीदी। अक्षरा दीदी। मुझे बुरा कौन लगता है जो आपको परेशान करता है? पहले एक बच्चा था नन्नू वो, और एक छोटी बच्ची थी को। अच्छा तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? परिणीति चोपड़ा। अब उसका एक गाना तो गाना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं पता है फेवरेट और गाना नहीं पता है। नहीं। अच्छा अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस को? प्लीज़ बहुत रिश्ता क्या कहलाता है, हम मतलब आपने जितने साल हमें इतना प्यार दिया उतना साल हमें प्यार देते रहेगा। प्लीज़ बहुत रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू। क्या बेबी चाहिए? बेबी रहेगा?